आज का जो वचन है परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से दिया है, अपने बच्चों को चुप कराइए। प्रेज द लॉर्ड। मती 14 28 से 31 के बीच में हम पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए इस वचन को। तब पत्रस ने उससे कहा, सबको मिल गया, बाइबल मिल गई, हालेलुया, सुनिए। तब पत्रस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा चला, और पत्रस ने नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा, परंतु हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। क्या देखा पत्रस ने, क्या देखा पत्रस ने? यीशु को पानी पर खड़े हुए देखा, यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। वो चीज जो उसके लिए असंभव थी, उसने कभी देखा नहीं था कि कोई पानी पर चल सकता है। आज हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे लिए कई चीजें असंभव हो जाती हैं। अरे पास्टर ने प्रार्थना की अंधा देखने लगा, पास्टर ने प्रार्थना की गूंगा बोलने लगा। यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना होती है तो अद्भुत चमत्कार होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। क्या देखा पत्रस ने? यीशु को। वो सामर्थ्य देखा, वो शक्ति देखी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। और यीशु, यीशु दिखाना चाहता था, हे पत्रस, हे यहोन्ना, हे याकूब, तुमको मैंने इसीलिए चुना है, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वो तुम जियोगे। क्या कहा यीशु मसीह ने? यूहन्ना 14:12 कि मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम तुम करोगे। यानी कि जो यीशु ने किया वो तो हम करेंगे ही, उससे भी बड़े काम करेंगे हम। परमेश्वर यहां पर हमें इस वचन के द्वारा बताता है कि जब हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम संसार के नियमों से, संसार के कानून से हमारा संबंध टूट जाता है और अलौकिक सामर्थ्य से हमारा संबंध बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, आप अलौकिक क्षेत्र के लिए हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है सुपर नेचुरल एरिया में रहने के लिए, अलौकिक क्षेत्र में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हम आम इंसान नहीं है। पानी पे चलना, कहां पर आने वाले यीशु मसीह? दूसरे आगमन पे, बादलों पे। कहां पर आने वाले? बादलों में। बादलों पे, यानी कि रथों के सार, उनके स्वर्गदूत रथों पे होंगे, घोड़ों पे होंगे। यीशु मसीह सफेद घोड़े पर आएगा। घोड़ा कहां चल रहा होगा? कभी देखा है आपने? देखा है बादलों पे घोड़ा चलते हुए? बाइबल कहती है यीशु मसीह बादलों पर होगा, वो बादलों पर बैठकर अपने सरदूतों को भेजेगा और अपनी हुई चुनी हुई भेड़ों को अपने पास बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बताता है, बाइबल बताती है, मेरे भाई पानी पे चलना, बादलों पे बैठना, आग को अपने बस में करना, बंद दरवाजे से अंदर आ जाना, ये हमारे लिए आम बात है, ये हमारे लिए आम, क्योंकि यही जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा ही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए कुलुसियों का 2:3 पढ़िए, बाइबल कहती है कि हमारा, हमें स्वर्गीय स्थानों की तरफ अपना ध्यान एकत्रित करना है। कुलुसियों 3:2-3 जल्दी से पढ़िए बहन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तुम पृथ्वी कर, पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम्हें मैंने चुना इसलिए है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर हो। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। हेलो, कितने विश्वास करते हैं आप मर गए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप मरे हुए, आप संसार के लिए मर चुके हैं, आप नई सृष्टि में। मैंने जब से यीशु को पाया है मैं मर चुका हूं, मैं यीशु में जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या कहता है कि तुम मर चुके हो, दोबारा पढ़िए तीसरा, क्योंकि तुम मर गए और तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन जो अब है मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। हालेलुया, हमें उस जीवन को खोजना है जो छिपा हुआ है, जो परमेश्वर हमें देख चुका है और वो जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। इसलिए उसने कहा हे यीशु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। यीशु मसीह ने कहा आजा। मेरे भाई जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, विश्वास करिए जब हम उसकी आज्ञाओं को, पतरस ने उसकी आज्ञा को सुना, आज्ञा को अपने अंदर लिया और उस आज्ञा पर विश्वास करते हुए पानी पे चला। प्रेज द लॉर्ड, और पानी पे चलता रहा। लेकिन जैसे उसने संसार की तरफ देखा, जैसे उसने हवाओं की तरफ देखा, उसका विश्वास कमजोर हो गया। यही नहीं चाहता है, हमें सिर्फ प्रभु की ओर देखना है। तो हम आप क्यों नहीं चंगे हो पा रहे, क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान अपनी बीमारी की तरफ है, आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है। जिस दिन आपका विश्वास, जिस दिन आपका ध्यान, जिस दिन आपका विश्वास उसके वचन पर होगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करने लगेगा। जिस दिन आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप संसारिक कानून से कट जाएंगे और आपके अंदर स्वर्गीय सामर्थ, अलौकिक सामर्थ बहने लगेगा अपने आप। आपको पता नहीं लगेगा, आपको पता, इसीलिए वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मान। अरे मेरे बच्चे तू नहीं जानता है तू क्या खो रहा है, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं पे चल। जो छिपा जीवन मेरे अंदर तेरा है वो मैं तुझे देना चाहता हूं। वो मैं देना चाहता हूं, मेरी आज्ञाओं को समझ, क्योंकि मेरी आज्ञाएं तुझे संसार से अलग करने के लिए हैं, संसार के कानून से। हालेलुया, इसलिए वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई नई सृष्टि में है, हम विश्वासी, हम कलीसिया आते हैं, वचन सुनते हैं, चमत्कार देखते हैं, चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपको पता है ये जो माहौल है, जो वातावरण है बाहर का, ये अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है, ये अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ है। कलीसिया में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, लेकिन कलीसिया के बाहर अंधकार की शक्तियां होंगी। अगर आप कमजोर है मेरी बहन, आप चाहे 25 साल तक कलीसिया आते रहें, लेकिन अगर वो सामर्थ, वो शक्ति अलौकिक क्षेत्र में अगर आप नहीं जिएंगे, आपका कलीसिया आना जाना व्यर्थ है। Praise the Lord. Praise Lord. हमको जानना है कि हम कौन है, हम नई सृष्टि हैं। यदि कोई, क्या कहता है पौलुस, पढ़िए बेटा, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में होना सिर्फ चर्च आना नहीं है, मसीह में होना, मैं मर चुका हूं लेकिन मसीह में जिंदा हूं। अगर आप मसीह में जिंदा हैं, अगर आप अपने आप को संसार में मरा हुआ समझते हैं और मसीह में जिंदा हैं, तो आप मसीह में हैं, तो आपके ऊपर दुष्टात्मा काम नहीं करेंगी, आपके घर में अशांति नहीं आएगी, आपको सही बुद्धि मिलेगी, गलत बुद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अलौकिक एरिया में रहने के लिए ही चुने गए हैं। आप उसका विश्वास नहीं करते क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है। आपका छिपा हुआ जीवन जो परमेश्वर में है, आप उसको खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। पौलुस कहता है कुलुसियों को,
कि तुम स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ, उस जीवन को खोजने की कोशिश करो जो परमेश्वर में छिपा है और परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। हम किसको खोजते हैं? पैसे को, धन को, अपनी नौकरी को। हमारा ध्यान हर पल उस तरफ ही, आज कितना कमाया, कल कितना कमाएंगे, परसों कितना कमाएंगे, कितना बैलेंस में है, कितना बैंक में है, कितना पर्स में है। नहीं मेरी, नहीं मेरे भाई, हम स्वर्गीय चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। पानी पे चलना, मेरे भाई आपको याद है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य आपको बताता है कि जब आप रैप्चर में जाएंगे दूसरे आगमन पर, तो 7 साल आप वहां पर रहेंगे और 7 साल के बाद आप जमीन पर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 7 साल के बाद एक नया यरूशलम धरती पर आएगा और आप सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे, न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे न्याय करेंगे आप? कैसे न्याय करेंगे? याद है, पता है? नहीं पता होगा। आप कैसे न्याय करेंगे? आप क्या समझते हैं कि सिंहासन पर बैठे हुए और लाइन लगी हुई है और आप बोलेंगे, ए, तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा करेंगे आप? नहीं। आप धरती पर आए हैं, मलाई खाने के लिए नहीं आएंगे आप उस समय, न्याय करने के लिए आएंगे। आपका हर पल प्रभु का होगा। यहां तो आपका मन होता है, आप लेट जाते हैं, जब मन हुआ लेट गए, टीवी देखा, आराम से खाना खाया, जब मनाया प्रार्थना की, जब मनाया वचन पढ़े, उस समय ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए दो पति पत्नी लड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस समय की बात कह रहा हूं मैं। अगर दो पति पत्नी लड़ रहे हैं और आपको उनका न्याय करना है, तो बाइबल कहती है कि आप उनके सामने भी रह सकते हैं और आप उनसे छिपे हुए भी रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उनके घर में, उनको नहीं पता, उनकी बातें सुन रहे हैं आप, पति ये कह रहा है, पत्नी ये कह रही है, दो दोस्त ये कह रहे हैं, वगैरह 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 बातें हुई, लड़ाई हो रही है, आप सुन रहे हैं, उनको नहीं पता आप हैं। जब न्याय का समय आया, आपने अपने आप को प्रकट किया। हेलो, और वहां पर आप न्याय करेंगे, तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, क्योंकि आपने सुना है। ये अलौकिक क्षेत्र का सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यीशु मसीह ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे सारे उसके चेले। यीशु मसीह कैसे आया? दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, दरवाजे में से आ गया, बंद दरवाजे से अंदर आ गया। वैसे ही हमें भी सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। जब हम 1000 साल के लिए आएंगे यहां पर, वो सामर्थ हमारे पास होगा। जब हम अपने आप को प्रकट करना चाहे हम प्रकट करेंगे, जब हम अपने आप को छुपाना चाहे छुपाएंगे, जब हम दीवार से आना चाहे दीवार से आएंगे। हेलो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को समझें और उस पर चले, क्योंकि जब आप उसकी आज्ञाओं को चलेंगे, आपका संबंध धरती से छूटता जाएगा और अलौकिक सामर्थ, अलौकिक शक्तियां आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। उसने क्या किया था? पत्रस ने आज्ञा मानी थी, आजा। पत्रस ने क्या किया था? आज्ञा मानी। हे यीशु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं आऊं। उसने आज्ञा मानी। गिनती 21 4 से 9 के बीच में, प्रेज द लॉर्ड। हमें आज्ञा, हम सब कुछ करना चाहते हैं, आज्ञा नहीं मानना चाहते। आप नहीं जानते कि आज्ञा ना मानकर आप अपने सामर्थ्य को, आप अपने आशीषों को कितना खो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको जानिए वो इशू कौन है। वो कोई धर्म लेकर नहीं आया।
मिस्र से इजरायलियों को परमेश्वर लेकर आया, 40 साल तक मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी इजरायलीज कुढ़ने लगे, कुढ़ रहे थे। क्यों कुढ़ रहे थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ यीशु के उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, वो चमत्कारों को देख रहे थे, उसके मन को नहीं देख रहे थे, उसकी दया को नहीं देख रहे थे। आज आपका मन कब बदलेगा? जब आप उसकी दया को समझेंगे कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया, मुझे कितना बदल दिया प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। अगर आप उसके चमत्कारों को देखने के लिए कलीसिया आएंगे मेरे भाई, कभी भी आप उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यीशु के लिए आएंगे, जिस दिन आप ये जानने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर अपनी जान दी है, मुझ जैसे पापी को बचाया, मैं क्या था, मेरी सोच क्या थी, आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता। आप जानते हैं, मैं जानता हूं मैं क्या था और मुझे कैसे परमेश्वर ने बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अनुग्रह हमेशा याद रखिए, उसके अनुग्रह का धन्यवाद करते रहिए, हर पल उसकी उपस्थिति में रहिए। हालेलुया। तब आप उसकी आज्ञाओं से प्यार करेंगे, उसकी आप उसकी इच्छाएं आपके जीवन में पहला स्थान होंगी। वो मेरे पिता की इच्छा है कि मुझे आत्माओं को जीतना है। यस, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे सुसमाचार सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञाएं, इसमें क्या होता है, यहां पर क्या होता है, गिनती 21 में कि इज़राइली कुड़कुड़ाने लगे मूसा की ओर, परमेश्वर की ओर, और क्या कहा उन्होंने कि तू जो हमें निकम्मी रोटी देता था उससे हम तंग आ गए। कौन सी रोटी? मन्ना को वो लोग निकम्मा कह रहे थे। पढ़िए बेटा 21:4 से। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बार बार घूम जाए और कि एदोम शहर से बार बार घूम जाए और लोगों को मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। और लोगों का मन मार्ग के कारण घूमते 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 बहुत व्याकुल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? एक मिनट, कहां मर रहे थे? वहां पर मिस्र में जी रहे थे वो लोग? मिस्र में जीवन था नहीं, गुलामी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहां थे? अंधकार में। क्या वो जीवन था? हम ठोकर खाते थे, कोई उठाता नहीं था हमें। जब हम गिरते थे, कभी हमें अगर किसी से पैसा मांगना पड़ता था तो लोग हंसते थे, ये बॉलीवुड में इसका पैसा नहीं है, मुझ पे लोग हंसे, लोग हंसते थे, मेरी कमियों पे हंसते थे, मेरी मजबूरी पर हंसते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन अच्छा था क्या? आज परमेश्वर ने मुझे अंधकार से उठाकर अपनी ज्योति में लेकर आया, मुझे मान दिया, मुझे सम्मान दिया, अपना सामर्थ्य दिया, अपने बेटे के लहू से मुझे शुद्ध किया, अनंत काल का जीवन मुझे सौंप दिया। और अगर मैं फिर भी कहूं कि मुझे क्या मिला है, तो मुझ जैसा इंसान माफी के लायक नहीं है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम कहें कि हमें क्या मिला है, हालेलुया। यही चीज इब्रानी इजरायलीज कर रहे थे। चट्टान से उन्हें पानी पिलाया, 40 साल तक मन्ना खिलाया, फिर भी परमेश्वर की ओर मूसा से कुड़ रहे थे, दोष लगा रहे थे कि तुम्हारी जो निकम्मी रोटी है उसकी वजह से हम तंग आ चुके हैं। मन्ना जो आ रहा था स्वर्ग से,
आगे, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे, अतः यहोवा ने उस लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। सो यहोवा ने, अब परमेश्वर का क्रोध आया, क्रोध आया, उसने विषैले सांप भेज दिए। इनको ये जीवन के योग्य नहीं है, ये हटीले हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे भाई, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह पीछे हट जाता है। वो क्या करेगा? वो आपको बताना चाहता है, बचाना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन आप संसार से हटना नहीं चाहते, आप अपने दिल को बदलने नहीं चाहते। परमेश्वर ने विषैले सांप भेज दिए और विषैले सांप, उन सांपों ने उनको डस लिया, और जब डस लिया, जब उनको पता लगा कि जहर ऊपर आ रहा है, अब मौत निकट है, अब मौत निकट है, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलती की है। तब उन्होंने मूसा से कहा, हे मूसा, बढ़िए आगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। वो जान गए कि हमने पाप किया है, हमारे मुंह से गलत अल्फाज निकले, जहर हमारे शरीर में चढ़ रहा है। आगे, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। वो जान गए थे कि उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की थी। मेरे भाई, अगर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते तो उनके विरुद्ध बातें मत करिए, मत करिए। अगर आपकी समझ नहीं खुली है, इसका मतलब यह मत कहिए कि परमेश्वर ने क्या किया है। आपको समझ ही नहीं है, क्योंकि आप वचन ही नहीं पढ़ रहे, आप समझना नहीं चाहते कि उसने क्या किया है, और फिर आप कहते कि मैंने क्या किया है। ये तो यही बात हो गई ना, माँ बाप ने अपना शरीर काटकर अपने को भूखा रखकर बच्चों को खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और बड़ा होकर बच्चा बोलता है, तुमने क्या किया है मेरे लिए, क्या किया है मां, मेरे पिता, तूने मेरे लिए क्या किया है। और वो पल मां बाप अंदर से रोते हैं कि मेरा बेटा बोल रहा है, जिसके लिए मैं रातों जागी हूं, मैंने अपनी भूख इसको दी, अपना लहू इसके शरीर में डाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर कहता है हर पल धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। जो जीवन आप जी रहे हो, दो कमरे में हो धन्यवाद, 10,000 कमा रहे हो धन्यवाद, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं मेरी बहन जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। हमको दो वक्त का खाना दे रहा है मेरा पिता, धन्यवाद दीजिए उसका। ये लोग धन्यवाद देना भूल गए, और जब इनको सांप ने काटा तब इनको एहसास हुआ, तभी आए पिता के पास, मूसा प्रार्थना कर, क्योंकि वो जानते थे कि मूसा की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा प्रार्थना कर, क्योंकि ये जानते थे कि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना ही अधिकार है, प्रार्थना ही परमेश्वर के करीब लेके जाता है हमको, प्रार्थना ही है जो जीवन है। मेरी बहन, चर्च से जाकर सिर्फ घर में बैठ मत जाइए, प्रार्थना करिए, खुद प्रार्थना करिए, अपने जीवन के लिए, अपने जिंदगी के लिए। अगर कहीं कुछ गलत आपने देख लिया है, कुछ बोल दिया है, कुछ सोच लिया है, उसके लिए पश्चाताप करिए, उसी समय घुटने पर आइए, प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मूसा ने प्रार्थना की, उसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, और जो कोई उसे देखेगा, ध्यान से सुनिए अब, जो कोई उसे देखेगा वो जीवित रहेगा। ये क्या था? ये क्या था? ये थी परमेश्वर की आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वो उसकी आज्ञा बन जाती है।
हेलो, जो कोई उसे देखेगा। इस समय आप भी कई लोग सोच रहे होंगे, अरे उस सांप को देखने से जहर कैसे निकल जाएगा। इसराइलियों ने भी सोचा, कईयों ने बहस की मूसा से, कह रहे मूसा कोई दवाई दे, कोई लोशन दे हमको लगाने के लिए, कैसे हम देखेंगे और चंगे हो जाएंगे। मूसा ने कहा, परमेश्वर की आज्ञा को मान और जीवन पा। परमेश्वर की आज्ञा को मान और जीवन पा। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो मर गए, और जिन्होंने सांप को विश्वास के संग देखा, सांप का जो जहर था निकल गया। आज यीशु कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। परमेश्वर कहता है, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। चाहे आपने कितने बाप क्यों ना किए, चाहे आप कैसी भी जिंदगी क्यों ना जीते हो, चाहे आपको अंदर कैसी बीमारियां हो, चाहे आप कैसे श्रापों से ग्रसित हो, लेकिन जिस दिन आप विश्वास के संग यीशु मसीह को अपना मान लेंगे, यीशु मसीह के द्वारा आएंगे, परमेश्वर आपको अपना लेगा, अपना लेगा परमेश्वर आपको। ये क्या थी आज्ञा? अब सोचिए, कैसा हो सकता है कि हम सिर्फ देखिए और जहर चला जाए? उसकी आज्ञा यही तो है, उसकी आज्ञा। आज हम क्या करते हैं? यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है कि नहीं मिलती है? हम यीशु मसीह के नाम से कोई दवाई देते हैं, कोई लोशन लगाते हैं? नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस नाम में सामर्थ है। बाइबल कहती है, वो नाम सब नामों से ऊंचा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों निकालिए, इफिसियों 1:19-20। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उन्नीस से पढ़ेंगे, और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसकी उस शक्ति के अनुसार हुआ, जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया, तथा सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के, तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया, और उसने सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया जो कि उसकी देह है। आप जब तक कलीसिया से जुड़े हुए हैं, शैतान आपसे दूर है। आप कलीसिया से अलग हुए, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। उसका वादा है, उसके मुख से निकली वाणी है, हर वो नाम जो इस युग में या आने वाले युग में लिया जाएगा, वो नाम यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। हर नाम को वो हरा चुका है। इसलिए मेरी बहन, हमें यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से उस सामर्थ को अपने अंदर जीवित रखना है, तभी हम उस जिंदगी को जी पाएंगे। आज अगर आप अलौकिक क्षेत्र में जी रहे हैं, तो आपके लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। आप कभी भी भूखे होने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप इसलिए चिंतित नहीं होंगे। जिस दिन आप अलौकिक क्षेत्र में अपने आप को रखेंगे, जिस दिन आप अलौकिक क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी चिंताएं ये नहीं होंगी कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे घर में कितना पैसा आएगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। नहीं, उस दिन आपकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरत और सबसे बड़ी आपकी आपके आपकी क्या होगी चिंता, कि मैं कैसे प्रभु में बना रहूं, मैं प्रभु को खोजूं और बाइबल को समझूं और जानूं पिता को, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, परमेश्वर के भय में जिंदगी गुजारूं, कहीं अपने मुंह से आप शब्द ना कहूं,
क्योंकि मुझे, मैं उस सामर्थ्य राज्य में हूं इस समय। हेलो, क्योंकि मैं इस सामर्थ्य राज्य में हूं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता होना चाहिए आप कहां पर हैं। आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं संसार में खड़े होकर, आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं संसार में खड़े होकर। अगर आप परमेश्वर के क्षेत्र में, अलौकिक क्षेत्र में खड़े होकर सुसमाचार सुनाएंगे, उसके जीवन में अद्भुत काम होगा, अद्भुत काम होगा। पहला राजा 17, उसका पहला निकालिए। यहां पर एक राजा है आहाब, और जेजबेल उसकी बीवी, इन दोनों ने बहुत परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। त्राही त्राही मचा दी, लोग रो रहे थे, दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध बहुत काम किया। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, एलिया को। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखना चाहेंगे, एलिया का कोई माँ बाप नहीं था, एलिया का कोई जन्म नहीं हुआ, एलिया प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एलिया का कोई हिस्ट्री नहीं है, वो प्रकट हुआ। और वो किसके लिए प्रकट हुआ? परमेश्वर के लिए। कहां से प्रकट हुआ? उस अलौकिक क्षेत्र से प्रकट हुआ। हेलो, ध्यान दीजिए, अगर आप संसार में हैं और आपने उस अलौकिक क्षेत्र को पा लिया है, सुपर नेचुरल एरिया में आप रहते हैं, तो जहां आप संसार में जाएंगे, आपके साथ साथ वो अलौकिक क्षेत्र जाएगा, वो अलौकिक सामर्थ आपके संग बहेगा। आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है और परमेश्वर के अलौकिक क्षेत्र में आप रहते हैं, जहां आप जाएंगे आपके साथ साथ अलौकिक क्षेत्र जाएगा, वो शक्ति जाएगी, वो सामर्थ्य जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा, सुनिए, आहाब को वो चेतावनी दे रहा है। किसको चेतावनी दे रहा है? उस राजा को जो राक्षस था, जिसने कई नबियों को मरवा दिया, खत्म करवा दिया, उसके महल में खड़े होकर, उसके घर में खड़े होकर चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वो अलौकिक सामर्थ्य उसके चारों तरफ है, वो अलौकिक शक्तियों से भरा, वो जानता है वो कौन है, वो जानता है जो मैं कहूंगा वो होगा। सुनिए, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसने आहाब से कहा इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं रहता हूँ, बोलिए, परमेश्वर के सम्मुख मैं रहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख मैं रहता हूँ। ये चार लोग बोल रहे हैं और कोई नहीं रहता क्या? परमेश्वर के सम्मुख मैं रहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख मैं रहती हूँ। आपको अंगीकार करना है, जिसके सम्मुख मैं रहता हूँ। आगे, उस जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसके जीवन की शपथ, मेरी बाइबल में लिखा हुआ, देखिए एक शब्द मैं आपको पढ़वाता हूं, उसके जीवन की शपथ। इज़राइल के परमेश्वर के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, मैंने जो कह दिया वो होगा। हेलो, एलिया परमेश्वर का नबी, परमेश्वर ने उसको भी सुना है, हमको भी सुना है। वो क्या कहता है? निसंदेह मैं जो कहूंगा वो होगा। इसमें संदेह मत करिए, डाउट मत करिए, है राजा, डाउट मत कर। आज से जब तक मैं नहीं कहूंगा मैं नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं। हालेलुया। कैसे रहता होगा परमेश्वर के साथ वो? जब उसकी आज्ञाओं को समझता होगा, उसकी आज्ञाओं को ही मानता होगा, उसके जीवन में परमेश्वर के सिवा कुछ नहीं होगा।
आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सम्मुख रहें, तभी वो सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर की आज्ञाएं आपको परमेश्वर से जोड़ती हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं आपको सुपर नेचुरल शक्तियों से जोड़ती हैं। आप सिर्फ कहिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते, आप देखिए एलिया को, निसंदेह जब तक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जानता है मेरे कहने से होगा। परमेश्वर का आत्मा कहां पर है? हमारे अंदर है। कौन काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर ने स्वर्ग कैसे बना, धरती कैसे बनाई? बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 18:16। तब ओबद अहाब से मिलने को गया और उसको बता दिया, अतः अहाब एलिया से मिलने चला। ओबेद जो अहाब का एक मंत्री था, जो अहाब राजा के अंदर काम करता था, उसे मिला एलिया, कि एलिया मिल चुका, ये लोग एलिया को ढूंढ रहे थे। तो ओबेद जो है, तब ओबदहा अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया एलिया के बारे में। सो अहाब एलिया से मिलने गया। कौन गया मिलने? हेलो, 3 साल से वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ एलिया की वजह से। जब राजा को पता चला कि एलिया मिल गया है, राजा को बुलाना चाहिए ना उसको, जाओ उसको बुला के लाओ। राजा उसके पास गया। आप नहीं जानते मेरी बहन, जिस दिन आप उस सामर्थ्य के अंतर्गत रहेंगे ना, आपके पास लोग आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। राजा एलिया के पास आया। हालेलुया। राजा की सिट्टी बिट्टी बंद थी, लाखों सैनिक उसके पास, जिसको बोलेगा वो काम करेगा। एक आदमी ने उसकी हालत टाइट कर दी, वो एलिया, क्योंकि वो परमेश्वर की अलौकिक क्षेत्र में रहता था। उसके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था, परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता था कि मैं क्या कह रहा हूं। 18:19, वह दूत भेजकर सारे इसराइल को और बाल की 450 नबी। अब वो राजा को आज्ञा दे रहा है, क्या कह रहा है? अब दूत एलिया जो है, राजा अहाब को आज्ञा दे रहा है, देखिए, अब दूत भेजकर, अब दूत भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास, कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर दे। हेलो, कौन दे रहा है आदेश? एलिया। किसको? उस राजा को। सालों से उसका पानी बंद कर दिया, पब्लिक हाहाकार कर रही है, राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है, सोचिए, और ये कह रहा है जा दूध भेज, और बाल देवता के जो 450 पुजारी हैं, याजक हैं, और अशेरा के जो 400 उनको लेकर आ, कर्मल पर्वत पर लेकर आ, चल प्लानिंग मेरी होगी, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करूंगा, चल काम कर, मैं बताऊंगा क्या करना, चल, क्योंकि सामर्थ मेरे पास है, तेरे पास कुछ नहीं है। हेलो, कैसे हिंदुस्तान को जीतेंगे आप, कैसे इस बंबई को जीतेंगे आप, जब वो सामर्थ आपके अंदर होगा, जब आप गवाह बन के सामने उतरेंगे, जब आपके अंदर यीशु की गवाही होगी, जब आप यीशु के गवाह होंगे, लोग कहेंगे यीशु इसमें है। क्या आप यीशु के गवाह हैं? क्या आपके गली के लोग यीशु के गवाह समझते हैं आपको? क्या आपके इलाके में लोग समझते हैं कि यीशु की बच्ची है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा दूध भेज और कर्मेल पर्वत पर लेके आगे।
तब अहाब ने सारी इसराइल को बुला भेजा और नबियों और कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। तब अहाब ने सारे इसराइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। अहाब की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे पूछे कि अरे तू पानी आने का तो आदेश दे, पानी नहीं आ रहा है। राजा अहाब, उसने बोला था सालों पहले कि साहब जब तक मैं नहीं बोलूंगा पानी नहीं होगा। अहाब की इतनी हिम्मत नहीं है कि एलिया मैं उनको लेकर आऊंगा, जो बाल देवता के आपके 450 याचकों को लेकर आऊंगा, अशेरा के 400 याचकों को लेकर आऊंगा, लेकिन पानी तो बरसा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पूछे, इतना खौफ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। हालेलुया। आगे, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? 22 तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है। आगे 23, इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाए। अब वो अपनी योजना बताता है। वो कहते हैं कि बाल देवता बहुत बड़ा है, जो अशेरा है वो है हमारे लिए सब कुछ, ये कहता है यहोवा ही। हालेलुया। अब यहां पर एलिया जो है वो उनको बताता है कि क्या करना है। उसने कहा कर्मेल पर्वत पर दो बेदियां बनाओ, लकड़ी की दो बेदियां बनाओ और दो बलियां चढ़ाओ, दो बकरे मंगाओ, बकरे ना दो बछड़े मंगाओ, एक बछड़ा तुम लो उसको काटो अपनी बेदी पर रखो और एक बछड़ा मुझे दो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शर्त यह है, शर्त यह है कि तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बल पर जिसका भगवान आग जला देगा उसका भगवान सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, क्या कहता है? सिर्फ प्रार्थना के बल पर अगर तेरी वेदी आग से जल गई तो तेरा बाल सच्चा है, तेरा शेरा सच्चा है। कर वो 450 याजक, 850 याजक टोटल, बाल के और अशेरा के, उन्होंने घूम घूम कर जलाया और उसमें टुकड़े डाले, काटा उसको, बछड़े को डाला और चिल्लाते रहे, इधर भागते रहे, उधर से भागते रहे, अपना शरीर को भी काटते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया बैठा हुआ देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा है, क्या कर रहे हैं, कूदपाद कर रहे हैं, कूद रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। 24 पर बेटे 24, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। तब लोग उसे बोले अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। 30वां, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ध्यान से सुनिए, 450 प्रॉफिट्स और 400 प्रॉफिट्स जो बाल और अशेरा के थे, 850 लोग चिल्लाते रहे, अपने देवताओं को बुलाते रहे कि इसमें आग डाल, इसमें आग दे, इसमें आग दे, इसको जला, इसको जला, इसको जला, लेकिन आग नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग तमाशा देखते रहे। अब एलिया ने बुलाया, दोपहर तक करते रहे, सुबह से लेकर दोपहर तक वो करते रहे। अब सोचिए आप कि एक सामर्थी इंसान, जब आपको पता है कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है, जब आपको पता है कि परमेश्वर कौन है, जब आपको पता है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है, जब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको किस लिए भेजा है, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब आप उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि मेरे अंदर मेरा यीशु है, उस दिन आप अपने जीवन से डरेंगे नहीं मेरे भाई, अपने काम से डरेंगे नहीं, अपने भविष्य से डरेंगे नहीं, मौत से डरेंगे नहीं। आप, आपके पास परमेश्वर है, आप जान चुके कौन है वो यीशु,
आप उस रोटी से नहीं डरेंगे, अपनी भूख से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस दिन मैं एक रोटी की प्रार्थना करूंगा 12,500 लोग खाएंगे। आमेन। आप नहीं जानते कि आप कौन है, यीशु बताना चाहता है आप कौन है, इसलिए यीशु ने पतरस से कहा आ और पानी पे चल, क्योंकि मैं चाहता हूं जिसको तू असंभव समझ रहा है वो चीज जीवन में तेरे संभव हो जाए। ये तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, हमारे लिए अगर मैं प्रभु मेरे लिए असंभव नहीं है, मुर्दों का जीना मेरे लिए असंभव नहीं है, आपके लिए होगा, अंधों का देखना मेरे लिए असंभव नहीं है, नहीं है, आपके लिए होगा, बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम लेंगे इसी समय निकल जाएगी वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए असंभव नहीं है। पीजी वर्गीस आए थे यहां पर, उन्होंने बताया, याद है तुम्हें, वो बॉम्बे सेंट्रल में एक गाड़ी को पकड़ने के लिए गए, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी टिकट थी, वो ट्रैफिक में फंस गए, सुसमाचार के लिए निकले थे, बॉम्बे रेलवे स्टेशन पहुंचे, बॉम्बे सेंट्रल, उनकी ट्रेन निकल गई, सामने जाते हुए देख रहे हैं, भाई साहब ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन कहते ये जा रही है, ओ अब उसको जो छोड़ने के लिए आए थे, चलते हैं अंकल दूसरी पर, नहीं नहीं ट्रेन आएगी वापस, मैं बिना ट्रेन पकड़े नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु का सुसमाचार रखूं, मैं प्रभु का काम करता हूं, अपने लिए नहीं जीता हूं, ट्रेन आएगी। 3 घंटे प्रार्थना करते रहे, ट्रेन वापस आई। आपके विश्वास में ताकत होनी चाहिए, असंभव कुछ परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए संभव है। इसलिए बाइबल कहती है जो तूने तेरी आंखों ने नहीं देखा होगा, तेरे मन में नहीं समाया होगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा, वो होगा तेरे लिए, वो होगा तेरे लिए। आपने नहीं सोचा होगा, पानी में चलेंगे, आप चलेंगे, आमेन। शद्रक मेजक अबेदनगो, वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। नबूकदनेस्सर को उसने क्या कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने, नहीं मैं इस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। उसने कहा ए इस सामने आग जल रही है, डाल दूंगा, डाल दे आग में, मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी अपने सैनिक को, इस आग को 10 गुना और बढ़ाओ, इनके हाथ पैर बांधो। वो यीशु का धन्यवाद बोल रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, इसकी स्तुति कर रहे थे, हालेलुया, क्योंकि वो जानते थे आग में जाना और आग से वापस आना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये पता होना चाहिए आप कौन है, तभी आपका सर नहीं झुकेगा। वो गए आग में छोड़ने वाला सैनिक मर गया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर को कोई आग जला सकती है, स्वर्गदूतों को आग जला सकती है, यीशु मसीह को आग जला सकती है? यीशु मेरे अंदर है, मुझे कौन जला सकता है, कोई जला सकता है? नहीं जला सकता। मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं। पहला राजा, इसी इस पर हम दोबारा आते हैं, पहला राजा 17 का पहला, दूसरा तीसरा चौथा पढ़िए, पहला राजा 17 का दूसरा तीसरा चौथा, सोचिए एलिया क्या था। बोलिए, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, आगे उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएंगे। कहां का पानी पी, हेलो नाले का पानी। आप किसी बहते नाले का आप जानते,
उसमें कितनी सड़ाहट होती है, कितना एसिड होता है, जहर होता है वो नाला का पानी, नाले का पानी कई एरिया से गुजरकर वो नाला आ रहा है, वो नाले का पानी पीना। लेकिन कौन था एलिया? परमेश्वर का बच्चा। क्या था उसमें? परमेश्वर का सामर्थ। कहां रह रहा था वो? अलौकिक क्षेत्र में, संसार में नहीं था वो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखता है मरकुस 16:17? मरकुस 16:17 क्या लिखता है? जल्दी पढ़िए। करीत के नाले में जाकर एलिया उस नाले का पानी पीता रहा, उस नाले का पानी पीता रहा। कौन? परमेश्वर का दास, उस एसिड वाले नाले का पानी, जिसको आप सूंघेंगे ना अगर 10 मिनट तो आप बीमार हो जाएंगे। वो पीता रहा। क्यों पीता रहा? क्योंकि वो जानता था वो कौन है। क्या कहता है मरकुस 16:17? विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। नाले का पानी प्राणनाशक था। नाले का पानी कैसा था? प्राणनाशक। आप उसकी स्मेल नहीं ले सकते, लेकिन जो विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे, जिनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ होगा, जो अलौकिक क्षेत्र में रहते हैं, हर पल सुपर नेचुरल शक्तियां आपके जीवन में काम कर रही हैं, परमेश्वर का कानून आपके जीवन में काम कर रहा है, आप संसार से अलग हो चुके हैं। आप संसार से के नहीं है, संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार का कानून आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। इसलिए नाले का पानी पीने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एलिया जैसे ही उस पानी को हाथ लगाता था वो पानी शुद्ध हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास वो सामर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में एक ध्येय बना लीजिए। उसकी आज्ञाओं के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। 31, फिर एलिया ने याकूब, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, उसके पुत्रों के गोत्र की गिनती के अनुसार उसने 12 पत्थर लिए। हालेलुया। उसने वेदी बनाई। अब उस वेदी पर 12 पत्थर रखे उस गोत्र के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के 12 बच्चे थे, पता है? हालेलुया। याद है किसी को? बाद में पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 पत्थर रखे उसने और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतनी बड़ी खाई खोदी कि 2 सुआ बीज उसमें आ सके, यानी कि काफी बड़ी खाई खोदी उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए आप, तब बाल देवता के जो पुजारी थे, जो अशेरा के पुजारी थे 850, वो बेदी के चारों तरफ घूम घूम कर चिल्लाते रहे कि परमेश्वर आग भेज, हे बाल आग भेज, हे अशेरा आग भेज, और उस मेरी बेदी को चला, उस लकड़ी की बेदी को जला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एलिया, जो परमेश्वर का बंदा था, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसमें सामर्थ था, जो कि अलौकिक क्षेत्र में रहता था, उसने क्या किया? तब उसने बेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, चार घड़े पानी इसमें डाल। हे बाल के देवता, हे पुजारी, तेरी लकड़ियां सूखी थी, तुझे तो मैंने सूखी लकड़ियां दे दी आग जलाने के लिए। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है, मैं अपनी लकड़ियों को गीला करूंगा। हेलो। वो जानता है कौन है वो। मेरी लकड़ियां गीली करो। सब लोग देख रहे हैं, जितने उसके दुश्मन होंगे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, अरे अब गया एलिया।
ये तो हमारे बाल देवता के पुजारी सूखी लकड़ी में आग नहीं लगा सकी, इसलिए लकड़ी गीली करी। अरे इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। राजा भी हंस रहा होगा, ये अपने फंदे में फंस गया अब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब उसने बेदी लड़ाई और चार घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार भी पानी डालो। तब उसने दूसरी बार वैसा ही किया। तब उसने कहा तीसरी बार भी वैसा ही करो। तीन बार पानी से भिगो दो लकड़ियों को, इस वेदी को पानी से भिगो दो। जो मैंने गड्ढे खोदे उनमें पानी भरना चाहिए, उनमें पानी भरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हम छोटे से अपने बिजली का बिल आता उसे डर जाते हैं। आज हमारी कंपनी में चार आदमी नहीं आएंगे हम डर गए, अरे अब बिजनेस गया। किसी ने ले लिया होगा उसको, किसी ने कर लिया होगा उसको, हमारा धंधा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया मुसीबत बुला रहा है क्योंकि वो जानता है कि हर मुसीबत से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हर मुसीबत को ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर, इसलिए मुसीबत आने दो, गीली लकड़ी करो। और उन्होंने गीली लकड़ी की और तब वो बैठा। उसके बाद क्या प्रार्थना की उसने, देखिए बहुत अच्छी प्रार्थना है वो। पीठ भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, ए अब्राहम इसाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे इब्राहिम इसाक और इब्राहिम और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। आज ये प्रकट कर कि तू ही और मेरे दास और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझे वचन पर पाकर किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर, हे इब्राहिम, हे याकूब, हे इसहाक के परमेश्वर, आज तू प्रकट कर क्योंकि तूने इस सृष्टि को रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे कहने से ही मैंने के अनुसार हुआ, मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब कुछ तेरे कहने के अनुसार किया। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, और ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही ने मनों को फेर दिया है। आमीन। हे परमेश्वर आग जला, और उसी समय 38वां देखिए आग गिरी। आमीन। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया और गड़े में का पानी जल भी सुखा दिया। पानी को भी सुखा दिया। हेलो, गीली लकड़ी। ये मैंने वचन पढ़ा था 2007 में और 2007 में परमेश्वर ने मुझे गीत दिया था इसी के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। गीली लकड़ी भी जल सकती है, अपने विश्वास की चिंगारी जला भर। दिया आंधियों में भी जलता है जो विश्वास तो ईशु को बुला घर। अपने विश्वास को तोलो, अपने विश्वास को नापो, मेरा ईशु जो जिंदा है हर पल उसकी जय बोलो। मौत ने ईशु पे पाई जो विजय है, चाहिए वो विजय ईशु से प्यार कर। गीली लकड़ी भी जल सकती है, अपने विश्वास की चिंगारी जला भर। दिया आंधियों में भी जलता है जो विश्वास तो ईशु को बुला घर। आमीन। मेरा दिया आंधियों में जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधियों से मत डरिए, तूफानों से मत डरिए, मुसीबतों से मत डरिए, क्योंकि आंधी तूफान मुसीबत आपके पैरों के नीचे है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। अपने आप को पहचानिए मेरी बहन, कि आप कौन है। कलीसिया से जुड़े रहिए, वचनों से जुड़े रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, परमेश्वर का सामर्थ
आप नहीं जानते कि आपसे क्या कराना चाहता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, आप देखिए आपके अंदर अद्भुत सामर्थ्य पैदा होने लगेगा, आपका अंदरूनी मन शुद्ध बदलने लगेगा अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप संसार से अपने आप अलग होने लगेंगे, अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। बस परमेश्वर की वाणी याद रखिए, उसकी आज्ञा याद रखिए और कुछ मत याद रखिए। आपका धंधा, आपकी नौकरी, सब कुछ परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इफिसियों 6:13-18 के पीछे पौलुस क्या बोलता है आपको, परमेश्वर के अगर राज्य में रहना है, परमेश्वर के क्षेत्र में रहना है, तो आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। कौन से अस्त्र शस्त्र? देखिए इफिसियों 6:13-18। इसलिए परमेश्वर सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। किसका? हेलो, किसका सामना कर सको? शैतान का। बुरे दिनों में सामना कर सको। शैतान तो हर पल आपकी तरफ देख रहा है। हथियार बांध लो, बांधे रहो, सिर्फ संडे को मत बांधो, हर पल बांधो। अपने बच्चों को हथियार बांध कर भेजो। क्या सैनिक बिना हथियार के जाता लड़ाई लड़ने? सैनिक बिना हथियार के जाता है युद्ध की भूमि पर? मैं आपको बताऊं एक सच्चाई, हम मसीह युद्ध की भूमि पर हैं। हमारा हर पल का जीवन युद्ध है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां हमारे चारों तरफ हैं। हमें कमजोर बनाने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए, हमें गलत हमारे अंदर विचार डालने के लिए हर पल अंधकार की शक्तियां हमारे लिए हमारे पास हैं। इसलिए हम हर पल युद्ध भूमि पर हैं, क्योंकि हम मसीह हैं, क्योंकि हम धरती के नहीं हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय सामर्थ्य से लिपटे हुए हैं। हम अलौकिक क्षेत्र में जीते हैं, और ये शैतान जानता है, हमारा दुश्मन जानता ही है। इसलिए इस हथियार को हर पल अपने संग रखिए। क्या हथियार है? 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? मुझे बात करिए, सत्य क्या है? यीशु मसीह। सब लोग बोलिए, सत्य क्या है? सत्य को अपने साथ रखिए, अपनी कमर कसकर। बेल्ट बांधते हैं ना आप, कमर कसते हैं ना हम लोग, बेल्ट बांधते हैं, आप लोग नारा टाइट करते हैं। टाइट रखिए अपने आप को सत्य से। वो कभी उसके बिना घर से ना निकलिए आप। सत्य को हमेशा अपने पास रखिए। यीशु सत्य है, मेरे पास रहेगा हर पल। यीशु आपसे अलग ना हो, चाहे धंधे में है, चाहे आप नौकरी में है, चाहे आप घर में है, कहीं भी है, यीशु का सत्य आपके साथ हमेशा जीवित रहे। आगे, और धार्मिकता का झिलम पहनकर। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। और पाओ में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। 14 दोबारा दिखाओ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम कहां पहनी जाती है? कवच, इधर। शरीर का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा कौन सा है? जितने योद्धा होते हैं कहां बांधते हैं कवच? छाती में बांधते और सिर में, पैरों में तो नहीं बांधते। कवच कहां बांधते हैं? छाती पे, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत बहुमूल्य है। आपके इसी एरिया को परमेश्वर ने चेंज किया है। yes, amen. आपकी आत्मा को जिंदा किया है, आपके मन को नया किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी एरिया को परमेश्वर के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी धार्मिकता आपके मन में रहे, उसके हृदय में रहे,
उसकी आत्मा आपके मन में रहे। ये एरिया परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कहता है धार्मिकता से कवच पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य को बांधकर, सत्य को अपनी कमर से बांधकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पैरों में सुसमाचार के जूते पहनकर। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बाहर निकले, जब आप सुबह उठे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे भाई पैरों में सुसमाचार के जूते। आज जूते पहनकर जब आप बाहर निकलेंगे, आप के अंदर सुसमाचार जिंदा होना चाहिए। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। रोमियो 1:16, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है मेरी बहन। उस सुसमाचार को हमेशा अपने मन में रखिए, वो सच्चाई को हमेशा मन में रखिए। यीशु मरा और मेरे लिए जिंदा हुआ। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जीवन देने के लिए आया और उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया। इस सत्य को अपने अंदर से कभी भी जाने मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जहां जाइए ये सत्य आपके साथ रहे, जहां बैठिए ये सत्य आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। क्या कहा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ है कौन? परमेश्वर का सामर्थ क्या है? सुसमाचार। जोर से बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ क्या है? सुसमाचार। परमेश्वर का सामर्थ किस में है? सुसमाचार में। अरे परमेश्वर का सामर्थ किस में है? जोर से बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ किस में है? सुसमाचार में है। आप चाहते हैं परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर हो, तो सुसमाचार को हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए। जब आप बोलेंगे सुसमाचार, परमेश्वर काम करेगा। आपके घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आप सुसमाचार बोलिए, आप सुसमाचार बोलिए, परमेश्वर की प्रशंसा करिए, स्तुति करिए। आपके घर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, भटकन नहीं आएगी, शैतान काम नहीं करेंगे। यीशु मसीह के प्रशंसा, उसकी स्तुति आराधना करते रहिए, सुसमाचार हमेशा बोलते रहिए। जो आपके घर में आए उसको बोलिए, उसको अच्छा लगे बुरा लगे उसको बोलिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमको करना है। अगला इफिसियों 6:16 और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये सब काम ऐसे कैसे कैसे करने हैं? विश्वास के साथ। सत्य को कमर से बांध रहे हैं, विश्वास के साथ। धार्मिकता के झिलम पहननी है, विश्वास के साथ। पैरों में सुसमाचार के जूते पहनने हैं, विश्वास के साथ। विश्वास की ढाल हमेशा साथ में रखिए, जैसे एलिया के पास थी, उसने अपनी बेदी में पानी डलवाया, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। पानी डलवाया, सामने राजा है, सैनिक है, हथियार है, वो मर जाएंगे। अगर उसका विश्वास कमजोर होता, अगर आग नहीं आती, क्या होता है? एलिया का खात्मा। उसका विश्वास था, मैं बोलूंगा और आग आएगी, मेरा परमेश्वर जीवित है। वही परमेश्वर जो एलिया का था, वो मेरा है, वो आपका है, वो जीवित है। जिस तरह उसने एलिया की वाणी सुनी, हमारी वाणी सुनता है वो। हमें सिर्फ अपने आप को योग्य बनाना है ताकि वो हमारी वाणी सुने। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 6:16 और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जिससे तुम दुष्ट के हर जलते हुए तीर को बुझा सको। मेरे भाई, शैतान कलीसिया में गुटबंदी लाता है, लोगों के अंदर ईर्ष्या लेकर आता है। उसके बहुत तीर हैं, एक तीर नहीं है उसका। ये आपको समझना है कि कैसे उसके तीरों को तोड़ना है, बुझाना है। हालेलुया।
हम शैतान को प्रार्थना करते हैं, शैतान निकल यहां से, निकल यहां से। शैतान को निकालने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर अपने आप को हथियारों से लैस कर लो, शैतान अपने आप निकल जाएगा। हम कमजोर हैं, शैतान कलीसिया में क्यों आ रहा है? हम कमजोर हैं, हमने सत्य को कमर से नहीं बांधा, हमने धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना, हमने पैरों में सुसमाचार के जूते नहीं पहने, हमने विश्वास की ढाल को नहीं उठाया है, हम निरंतर प्रार्थना में नहीं है। शैतान काम करता है, फिर आप कहते हैं मेरे संग ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। अरे नहीं, शैतान काम ही नहीं कर सकता, परमेश्वर के हथियार आपके साथ हो वो काम करेगा, वो देख लेगा, अरे वाह इसके पास सत्य भी है, धार्मिकता भी है, विश्वास भी है, पैरों में सुसमाचार के जूते भी हैं और प्रार्थना भी कर रहा है, निकलो भागेगा वो, नहीं ठहरेगा। लेकिन वो देखेगा, अच्छा सत्य सिर्फ इसके जबान पर है, दिल में नहीं है, सत्य नहीं बांधा इसने, धार्मिकता को सिर्फ ये संडे को ही लेता है, अच्छा 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 पैर में भी नंगे पैर चलता ही है, चलो चढ़ाई करो ये हार जाएगा। हाँ, हार जाते हैं, फिर परमेश्वर ही ठीक नहीं है यार, कलीसिया ही ठीक नहीं है यार, अरे पास्टर सिर्फ अपनी बातें करता है, वो भी ठीक नहीं है, आपने हथियार ही नहीं पहने, क्या करेगा पास्टर, क्या करेगा परमेश्वर? प्रेज द लॉर्ड, हथियार तो आपको पहनने हैं। आगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और उद्धार का टोप अपने सिर पर लगाओ, उद्धार आपका उद्धार हुआ है, उद्धार की शक्ति को समझिए, उद्धार की कीमत को जानिए, आपका उद्धार हुआ है। मेरी बहन जिस दिन आप उद्धार की कीमत को जानेंगी ना, आप पाप से डरेंगी, आप दूर रहेंगी, नहीं मुझे उस तरफ देखना भी नहीं है, उद्धार हुआ है मेरा, अनंत काल का जीवन मिला है मुझे, नहीं नहीं मुझे कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। आपको परमेश्वर ने उद्धार का टोप पहनाया है, आपको मान दिया है, और आत्मा की तलवार से परमेश्वर का वचन बोलिए। जब आप बोलेंगे आत्मा की तलवार, क्यों कहा गया आत्मा की तलवार वचन को? क्योंकि जब उस सत्य को आप अपने अंदर रखेंगे, जिस दिन धार्मिकता उसकी आपके अंदर होगी, जिस दिन आपकी उसकी पवित्रता आपके अंदर होगी, उसका विश्वास आपके अंदर होगा, मेरी बहन जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगी, वो तलवार बनकर सामने वाले को भेदेगा और वो पश्चाताप करेगा। आपका सुसमाचार जब आप सुनाते हैं उसमें इतनी शक्ति है, मैं और आप चेंज नहीं कर सकते किसी को मेरे भाई, परमेश्वर कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि तू सुसमाचार सुना, मरकुस 16 का 19 और 20, तू सुसमाचार सुना, जो जैसी तू सुसमाचार सुनाएगा चिन्ह और चमत्कार के द्वारा मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, तू सुना। तू सुना सिर्फ। योना नबी कहानी पता है आपको? योना नबी किसको पता है? योना नबी, योना, योना पता है, पता है? योना को परमेश्वर, नीनवे देश को परमेश्वर ने शाप दिया था कि 40 दिन के अंदर नाश कर दूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने योना नबी को कहा जा नीनवे देश में जा और उनको बोल कि मैं नाश करने वाला हूं। योना नबी कह रहे नहीं यार परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। वो भाग गया तर्शीश, तर्शीश के जहाज में बैठ के भाग गया। जहाज हिलने लगा, डोलने लगा, वहां जितने और लोग थे वो डर गए, वो अपने अपने भगवान का नाम लेने लगे, ये नीचे सो रहा है आराम से,
योना नबी आराम से सो रहा है। उन्होंने पर्ची डाली कि हम में से कौन ऐसा पापी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। योना नबी का नाम आया, वो नीचे गया, सब लोग नीचे गए, योना उठ, तू सो रहा है, कौन है तू भाई, कहां से आया है, कौन है तेरा परमेश्वर? उसने कहा देखो ये तूफान मेरी तरफ से आया है, मेरी वजह से आया है, तुम ऐसा करो मुझे उठा के फेंक दो, इस समुद्र में फेंक दो, तुम बच जाओगे। उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर से क्षमा मांगी कि हम इसको फेंक रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। योना नबी को फेंक दिया, परमेश्वर ने एक वेल मछली को भेजा, प्रेज द लॉर्ड, और मछली ने योना नबी को अपने अंदर ले लिया। 3 दिन 3 रात तक योना नबी उसके अंदर रहा। वहां पर उसे एहसास हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना की, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर प्लीज। नीनवे देश के कॉर्नर पे घाट पर उस मछली ने योना नबी को फेंक दिया और परमेश्वर ने कहा जा सुसमाचार सुना। देखिए देखिए क्यों परमेश्वर ने चुना। नीनवे देश को 40 दिन के बाद परमेश्वर नाश करने वाला था। योना नबी कहता नाश कर देना, तो मुझे क्यों भेज रहा है वहां पर। उस देश में, उस देश का जो वातावरण था दूषित था, उस देश के लोगों को नहीं पता था। 3 दिन तक उसने लगातार घूम घूम कर कहा कि हे देशवासियों, 40 दिन के बाद परमेश्वर तुम्हारा नाश कर देगा, तुमने ये पाप किया वो पाप किया, परमेश्वर ये है, परमेश्वर ने कहा है, वो परमेश्वर जो सूरज और चांद को बनाता है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। 3 दिन तक वो लगातार उस नीनवे देश के चक्कर लगाता रहा और बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। जैसे ही राजा ने सुना, नीनवे देश के राजा ने, अरे हम नाश हो जाएंगे, उसके मन में पश्चाताप आया। उसने आदेश दिया अपने राज्य के सब अधिकारियों को, अपने कपड़े उतारो, टाट पहनो, हम 40 दिन तक उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। यहां तक कि उसके जानवरों ने भी उपवास रखा और घुटने पे आ गया कि प्रभु माफ कर, हमसे कोई गलती हो गई है, माफ कर, हमें क्षमा कर, हमें एक मौका दे। और परमेश्वर के मन में दया आई और उसने माफ किया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे उनका मन बदला, जब वो गया, जब उसने कहा। आपके पड़ोसी का मन कब बदलेगा, जब आप कहेंगे। परमेश्वर कब काम करेगा, जब आप कहेंगे। आप सोचते हैं ये पड़ोसी तो जानता है ना मैं चर्च आती जाती हूं, इसे क्या बोलूं बार बार। नहीं, योना नबी को परमेश्वर ने चुना ताकि वो बोले। आज अंधकार की शक्तियां, आप चर्च से बाहर निकलेंगे यहां पर अंधकार की शक्तियां, इसलिए आप चर्च जो सुनते हैं वो बाहर जाते ही भूल जाते हैं। मैं पूरा हफ्ता बहुत मेहनत करता हूं एक एक शब्द को बनाने में, आप जाते ही भूल जाते हैं। अगले बार मैं आऊंगा पूछूंगा, आपको याद नहीं होगा, चाहे आप कितना भी लिख लें। यस, हमें बोलना है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं लंदन के, अमेरिका के, लड़का लड़की बोल रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की नकाब लगाए हुई बोल रही है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही महान है, यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, जानिए यीशु मसीह के बारे में। कोई नहीं जान, कोई नहीं सुन रहा है, वो बोल रही है, कोई सुने ना सुने बोल रही है, वो हर बस में चढ़कर बोल रही है, वो बोल रही है। एक बंदा माइक लिए हुए अपना छोटा उससे ले लिया, स्पीकर ले लिया, बोल रहा है यीशु मसीह के बारे में, जानिए आप यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, आपके पापों के लिए मरा, आपको शापों से मुक्त करने के लिए मरा, यीशु मसीह को जानिए, अनंत काल आ गया है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह को अपनाना जरूरी है, नर्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिए यीशु मसीह को अगर नहीं पाएंगे तो आप नर्क में जाएंगे, यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह को बोलिए। वहां का वातावरण शुद्ध होगा और परमेश्वर किसी न किसी मन को बदलेगा। बोलिए, आपको बोलना है, हम बोल नहीं रहे, हम चुप हैं। परमेश्वर कैसे काम करेगा, परमेश्वर नहीं काम कर सकता, आप बोलेंगे तभी काम होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसकी आज्ञाओं को समझिए, उसकी आज्ञाओं को जानिए, उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर का सामर्थ, अलौकिक सामर्थ आपके जीवन में आपके साथ चलेगा।
छोटी सी बात है। अगर आप चाहते हैं वो सामर्थ आपके अंदर बहे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ अलौकिक क्षेत्र में आप रहे, तो आपको उसकी आज्ञाओं पे चलना है। कोई मेरा पड़ोसी चल रहा है, मेरा भाई चल रहा है, मेरी बहन चल रही है, ये नहीं चल रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अरे छोड़िए, आप अपने आप को देखिए, आप चलिए आगे। वो कोई कुछ भी करता रहा, उसके लिए प्रार्थना करिए, आप चलिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया। आमेन।